इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंतरिम जमानत दी है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश की एक और लोकसभा और 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग ने कहा कि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले कर ली जाएगी। हालांकि अभी तक बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना ने कंगना रनौत को धमकी दी है। शिवसेना MLA प्रताप सरनाइक ने ट्वीट कर कहा है कि संजय राउत ने तो उनको सीधे शब्दों में समझाया था कि वो यहाँ ना आए, लेकिन अगर वो यहाँ आती हैं तो रणरागिनी उनका मुंह तोड़ देंगी। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश की सरकारी नौकरियों में यहाँ के मूल निवासी युवाओं को ये वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक में सभी कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय में CS राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राजस्थान में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के संबंध में कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान भाजपा ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल का स्वागत किया है। भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल ने कहा कि भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बाहर के युवाओं के आने से प्राथमिकता क्षीण हो जाती है। राज्य सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम चला रखा है। वहीं बीजेपी के कई नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के हल्ला बोल अभियान पर संशय नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि भाजपा 8 और 10 सितंबर को होने वाले धरना कार्यक्रम में भी सीमित कार्यकर्ता ही शामिल कर पाएगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों को कोरोना की रिपोर्ट लेने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिल जाएगी। अब ICMR पोर्टल के साथ ही ऑटोमेटिक मैसेज के जरिए कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सकेगी। इसी के साथ ये रिपोर्ट राज कोविड इन्फो मोबाइल ऐप के जरिए भी मिल सकेगी। राजधानी जयपुर में COVID-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जयपुरी अस्पताल को COVID-19 केयर सेंटर घोषित किया गया है। जयपुरी अस्पताल में कोविड के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए 500 बेड तय किए गए हैं। यहां पर केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा और उन्हीं को भर्ती किया जाएगा। कोरोना से गंभीर रोगियों को SMS अस्पताल में भेजा जाएगा। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तारीख घोषित की गई है। वहीं प्रदेश भर के दिव्यांगों ने विशेष योग्यजन आयुक्त को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण की मांग की है। 8 महीने पहले हेमंत भाई गोयल ने विशेष योग्यजन न्यायालय में परिवाद दायर किया था, लेकिन पुलिस विभाग ने आरक्षण का प्रावधान लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई। IPL सीजन 13 शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग को एक और बड़ा झटका लगा है। सुरेश रैना के बाद अब टीम के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने भी निजी कारणों के चलते IPL से नाम वापस ले लिया है।